अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बजाज मैक्सिमा अंसारी ऑटो सर्विस में। तो दोस्तों, हाजिर हैं आप सभी के साथ एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बजाज मैक्सिमा BS4 मास्टर सिलेंडर किट चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जो है सिलेंडर को गाड़ी में से खोल लाए हैं और इसकी किट चेंज करेंगे अभी हम। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जो है इसको खोल लेते हैं। ये दोस्तों, पहले जो है इसकी रबड़ को उतार लेंगे ऊपर वाली को सिलेंडर की। चलिए दोस्तों, हमने ऊपर वाली रबड़ को उतार लिया है इसकी। अब जो है नॉक क्लास से इसके लॉक को निकाल लेंगे। दोस्तों, हमने नॉक क्लास की मदद से इसके लॉक को भी निकाल लिया है। अब जो है इसके सिलेंडर के पिस्टनों को निकालेंगे अंदर से। चलिए दोस्तों, इसके पिस्टनों को निकाल लेते हैं अभी हम ठोक के। ये दोस्तों, हमने इसके पिस्टनों को निकाल लिया है सिलेंडर के। अब नीचे वाले पिस्टन को निकालेंगे दोस्तों इसके चार मुँह के पेच करते। पहले ये पेच को खोल लेंगे, तभी निकलेगा नीचे वाला इसका पिस्टन। चलिए तो दोस्तों, अभी हम जो उसके पेच को खोल लेते हैं चार मुँह के पेच कस से। ये दोस्तों, पेच जो है हमने नीचे वाले पिस्टन का खोल लिया है। अब जो है इसके नीचे वाले पिस्टन को भी निकाल लेंगे दोस्तों ठोक के। ये दोस्तों, नीचे वाला पिस्टन भी हमने निकाल लिया है सिलेंडर के। अब इसकी अच्छी तरीके से धुलाई करेंगे सारे सामान की, उसके बाद जो है नई किट को फिट करेंगे सिलेंडर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जो इसकी सामान की सारे की अच्छी तरीके से धुलाई कर लाते हैं। ये दोस्तों, अभी हम जो है सारे ही सामान को सिलेंडर के धोलाए हैं और सिलेंडर को भी जो है अच्छी तरीके से पानी से धोलाए हैं बढ़िया तरीके से। तो सारे सामान की भी हमने सफाई कर ली है और सिलेंडर की भी सफाई कर ली है हमने। अब हम जो है इसकी किट को निकालेंगे और नई किट को फिट करेंगे इसके अंदर। तो ये दोस्तों, अब इसकी किट को निकाल लेंगे पुरानी वाली को। ये एक रबड़ हमने निकाल ली है, अब इसकी दूसरी वाली रबड़ को निकाल लेंगे पेचकस की मदद से, पतले वाले पेचकस से। ये दोस्तों, हमने दूसरी वाली रबड़ भी निकाल दी है इसकी पिस्टन की। अब हम जो है दूसरे वाले पिस्टन की रबड़ों को निकालेंगे। दोस्तों, दूसरे वाले पिस्टन की भी हमने एक रबड़ को निकाल लिया है। अब इसके नीचे वाले रबड़ को निकालेंगे। ये पहले पेच खोल लेंगे पेचकस से, उसके बाद जो इसकी नीचे वाली रबड़ को निकालेंगे। ये दोस्तों, पेचकस से जो है इसके पेच को खोल लेंगे पहले। ये दोस्तों, पेचकस से हमने जो है इसके पिस्टन के स्प्रिंग को खोल लिया है नीचे वाले को। अब इसकी रबड़ को निकाल देंगे नीचे वाली को। ये दोस्तों, चारों रबड़े जो है हमारी निकल चुकी हैं पुरानी वाली। अब हम जो है इसमें नई किट को फिट करेंगे। ये दोस्तों, हम जो है बजाज कंपनी की किट ले आए हैं। इसको ध्यान से देख सकते हैं आप सभी भाई लोग। इसका पार्ट नंबर है BA1510-74। चलिए दोस्तों, अब हम जो है इसकी नई वाली किट को फिट करते हैं पिस्टनों के अंदर। दोस्तों, किट को जो है हमने खोल लिया है। किट खोलने के बाद जो है इसकी रबड़ों को बाहर निकाल लेंगे सबको एक बार में। ये दोस्तों, सारी रबड़ों को हमने नई वाली को बाहर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं किट के अंदर इतनी रबड़ें निकलती हैं। ये रही ऊपर वाली बड़ी रबड़ और ये रही सिलेंडर की छोटी वाली चार रबड़े और ये रही ब्रिकॉइल की डिब्बी वाली रबड़। तो चलिए किट को फिट करते हैं हम। ये दोस्तों, पहले ऊपर वाली रबड़ को लगा लेंगे इसकी ऊपर वाले सिलेंडर की। ऊपर वाली रबड़ लगाने के बाद पेचकस से जो है इस रबड़ को सही कर लेंगे।
ये दोस्तों हमने जो है रबड़ को सब तरफ से सही कर लिया है। अब इसकी नीचे वाली रबड़ लगा के इसका नीचे वाला स्प्रिंग पेचकस से खींच देंगे। ये दोस्तों इसकी नीचे वाली रबड़ भी हमने लगा ली है। ये दोस्तों हमने नीचे वाली रबड़ भी इसकी लगा ली है। अब जो है इसको पेचकस से इसके स्प्रिंग को खींच लेंगे। पेचकस से जो है इसको अच्छी तरीके से खींच लेंगे और स्प्रिंग का ध्यान रखेंगे। स्प्रिंग जो है हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, वरना जो है दबते टाइम मुड़ जाएगा स्प्रिंग और स्प्रिंग जो है हमारा बेकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा ऊपर वाला पिस्टन जो है सिलेंडर का कंप्लीट हो चुका है किट पड़ने के बाद। अब नीचे वाले पिस्टन में किट को डालेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा नीचे वाला सिलेंडर का पिस्टन। अब इसकी एक रबड़ को जो है मुँह को ऊपर रखेंगे, इस तरीके से इसकी एक रबड़ का मुंह जो है ऊपर रखेंगे और नीचे वाली रबड़ का मुंह जो है नीचे को रखेंगे। इस तरीके से जो है नीचे वाली रबड़ का मुंह जो है नीचे रखेंगे हम नीचे वाले पिस्टन का। ये दोस्तों नीचे वाला पिस्टन भी हमारे दोनों रबड़ें फिट हो चुकी हैं। अब जो है इसके स्प्रिंग को लगा लेंगे नीचे वाले को। चलिए दोस्तों ड्रॉप किट पड़ने के बाद जो है दोनों पिस्टन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको जो है सिलेंडर के अंदर फिट करेंगे। ये रहा दोस्तों हमारा नीचे वाला पिस्टन, इसको पहले फिट कर लेंगे नीचे। बिल्कुल लेगा। चलिए दोस्तों पिस्टन को फिट करने से पहले जो है हल्का हल्का ब्रेक ऑयल लगा लेंगे रबड़ों पे इसकी। उसके बाद जो है सिलेंडर के अंदर फिट करेंगे इसको। सिलेंडर के अंदर जब भी फिट करेंगे तो पेचकस से जो है रबड़ को हल्का हल्का दबा लेंगे सब साइड से, ताकि रबड़ जो हमारी बेकार ना हो। इस तरीके से जो है रबड़ को दबाने के बाद पिस्टन को अंदर बिठा लेंगे सिलेंडर के, और सिलेंडर के अंदर बिठाने के बाद जो है पेचकस से पिस्टन को चला के और पिस्टन को दबा के रखना है हम लोगों को इस तरीके से। फिर इसका पेच लगा लेंगे नीचे वाला। पेच लगाने के बाद जो है चार मुंह के पेचकस से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे इसके पेच को सिलेंडर के इस तरीके से। चलिए दोस्तों हमने जो है नीचे वाला पिस्टन बिठा के सिलेंडर में और पेच खींच दिया है अच्छी तरीके से। अब हम जो है इसके ऊपर वाले पिस्टन को बिठा लेंगे। चलिए दोस्तों ऊपर वाला पिस्टन भी जो है इसी तरीके से हल्का हल्का ब्रेक ऑयल लगा लेंगे दोनों रबड़ों पर। उसके बाद ऊपर वाले पिस्टन को भी बिठा लेंगे। इसके ऊपर वाला पिस्टन भी हम लोगों को इस तरीके से बिठाना है पेच करते हल्की हल्की रबड़ को जो है दबा लेंगे इसकी। उसके बाद जो है पिस्टन को अंदर बिठा लेंगे। सब सेट होते रबड़ को हल्का हल्का दबाते रहेंगे पिस्टन को बिठाने के टाइम। जी दोस्तों ऊपर वाला पिस्टन भी हमारा बैठ चुका है, अब इसको चला के चेक कर लेंगे। चलिए दोस्तों पिस्टन जो है हमारा बिल्कुल ऊपर आ रहा है सिलेंडर का। इसी तरीके से आप भी जब किट डालेंगे तो पिस्टन बिल्कुल ऊपर आना चाहिए इसका। किसी किसी सिलेंडर का क्या होता है पिस्टन बैठा रहता है, फिर गाड़ी में जो है ब्रेक सही से नहीं आते हैं, उसका पीछे वाले पैप में जो है प्रेशर नहीं आता है। जब भी ऊपर वाला पिस्टन इसका बैठा रहेगा गाड़ी का तो पीछे वाला पैप जो होता है हमारा ब्रेक वाला, उसमें जो है प्रेशर नहीं दिखाएगा पिस्टन जब तक ऊपर पूरा नहीं आएगा गाड़ी का। पिस्टन को जो है हमेशा पूरा ऊपर आना चाहिए, तभी गाड़ी के अंदर प्रेशर जो है अच्छा बनेगा और ब्रेक जो है हमारे अच्छी तरीके से आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है इसकी ऊपर वाली रॉड को लगा लेंगे ब्रेक वाली को। ये लॉक को पहले नया फिट कर लेंगे इसके अंदर, पुराने वाले लॉक को निकाल देंगे। ये दोस्तों नया वाला लॉक है हमारा, इसको फिट कर लेंगे इस तरीके से। ये नया लॉक फिट हो चुका है हमारा। अब जो है नोक क्लास से इसकी रॉड को फिट कर लेंगे।
दोस्तों लॉक जो है हमारा सिलेंडर का बैठ चुका है अच्छी तरीके से। सब तरफ से लॉक को हमने बिठा लिया अच्छी तरीके से। लॉक बिठाने के बाद जो है इसकी रबड़ को चढ़ा लेंगे। ये दोस्तों रबड़ भी जो है हमारी चढ़ चुकी है सब तरफ से अच्छी तरीके से। रबड़ को भी हमने चढ़ा लिया है। तो दोस्तों सिलेंडर जो है हमारा गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जो है गाड़ी के अंदर फिट करेंगे हम लोग ले जाके।